हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है यह है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 cc और BS6 वाला बाइक। तो इस बाइक में इंजन का साउंड जो है यानी कि ख़राब आ रहा है। तो कल मुझे कॉल किया था तो मैंने बुलाया और आज मेरे पास ये बाइक फाइनल आया है। तो पहले आप लोगों को साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ और उसके बाद अगर आप लोग साउंड देखने के बाद आप लोगों को महसूस क्या हो रहा है और मुझे क्या महसूस हो रहा है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और एक्चुअली क्या काम कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ गाइस। चलो बंद करते हैं। तो साउंड आप लोगों ने देखा फटा हुआ आ रहा है। तो रॉयल एनफील्ड जो पहले का बाइक था BS4 ये सब बाइक में साउंड हम लोग को यानी कि अच्छी देखने को मिल रहा है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ख़राब देखने को मिलता है। यानी कि इसमें दिया जाता हम लोग का हाइड्रोलिक, मेन पार्ट होता है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक अगर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, रॉकर ढीला हो जाएगा। और ये नहीं जो रॉकर का नॉट टाइट करे और रॉकर टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग का हाइड्रोलिक इसीलिए दिया गया है जितना ज़रूरत होता है उसी अपने हिसाब से रॉकर को एडजस्ट करते हैं। तो अगर हाइड्रोलिक ढीला हो जाएगा तो रॉकर टाइट नहीं कर पाएगा और इंजन का साउंड जो है, इंजन का नॉइज़ जो है वो क्रिएट होने लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है हम लोग चेकअप करेंगे इस बाइक का इंजन ऑयल कितना निकल रहा है। क्यों, ये जो बाइक है 29823 किलोमीटर बाइक चला है और इतना साउंड क्यों क्रिएट होने लगा है, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप जो है काम करेंगे, इसका इंजन ऑयल हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कितना है। अगर इंजन ऑयल अगर कम निकलता है तो फिर एक डेंजर वाली बात है और उसका कारण हम लोगों का कुछ पार्ट्स भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए, इस बाइक को हम लोग ओपन करेंगे। तो सबसे पहला काम है इंजन ऑयल को देखना, ठीक है। तो उससे पहले हम देखने से पहले क्या करेंगे, हेड का जो कवर है एक बार हम लोग खोल के स्टार्ट मार के देखेंगे जो हेड के अंदर ऑयल हम लोग का छिड़काव सही से आ रहा है कि नहीं। तो टैंकी वगैरह खोलने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने टैंकी ओपन करने के बाद टैंकी को फिट कर दिया। क्यों, ये जो कैप है कैप को मैंने निकाला और अभी हम लोग देखेंगे स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम लोगों का ऑयल का छिड़कान जो है तेज़ से आ रहा है कि नहीं, ऑयल पम्प दे रहा है कि नहीं। तो चलो बाइक को स्टार्ट करो। आ रहा है, देखो बंद कर दो। यानी कि ऑयल पंप हम लोग का बिल्कुल सही बराबर सही है। अब दूसरा स्टेप जो है अब हम लोग चेकअप करेंगे इंजन ऑयल कितना निकल रहा है, ठीक है। तो चलो इंजन ऑयल निकलने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इंजन ऑयल निकाला और इतना बड़ा इंजन जो है इसमें हम लोगों का 400 ml भी इंजन ऑयल नहीं निकला। तो इतना सा इंजन ऑयल में हम लोग का 350 cc जो इंजन होता है कैसे वर्क करेगा। इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स दिया गया है, काफ़ी सारे पुर्जा दिया गया है, कैसे लुब्रिकेशन होगा, है ना। तो मेन बात होता है इंजन ऑयल गई कहाँ। कस्टमर का कहना है कुछ दिन पहले मैंने इंजन ऑयल डाला और रॉयल एनफील्ड कंपनी का ही डाला था, बट ज़्यादा बाइक चला नहीं है। मेरे हिसाब से क्या हुआ है, बाइक में व्हाइट स्मोक हल्का आ रहा है। अभी थोड़ा इंजन ऑयल कम लेने के कारण हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन इंजन ऑयल कम गया है। तो इसके लिए हम लोगों को सोल्यूशन क्या है, हम लोगों को ब्लॉक किट खोलना पड़ेगा और इसके अंदर हम लोगों को रिंग सेव करना पड़ेगा स्टैंडर्ड साइज। तो चलिए हम लोग खोलते हैं और प्रोसेस शुरू करते हैं जो क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम लोग हेड सिलेंडर ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने पूरा सिस्टम को खोल कर यानी कि ऑफ किया जितना भी सामान था और मैंने क्या क्या लाया मैं आपको दिखाता हूँ। यह हम लोगों का पिस्टन रिंग है स्टैंडर्ड साइज, देखिए रॉयल एनफील्ड बाइक की एकदम जेन्युइन। यह है वाल्व सील, ठीक है, और नया वाल्व जो है वो हमने दिया लेथ पर भेजा है क्योंकि इसका गाइड ख़राब था एक, इसके लिए साउंड भी आ रहा था। और यह है हम लोग का सिलेंडर पैकिंग और ये हम लोग का ऑयल फिल्टर है और एक एयर फिल्टर और एक हम लोगों का रॉयल एनफील्ड की 15W50 इंजन ऑयल। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे,
रिंग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि लेज जो गया है ना हेड लेकर, वो थोड़ा आने में टाइम लगेगा। तब तक हम लोग इस पिस्टन में हम लोग यानी कि रिंग फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग पिस्टन रिंग फिटिंग करें तो आप लोगों को एक चीज़ गौर करना पड़ेगा, इसके अंदर बाइक चलते चलते क्या होता है, कचरा बैठ जाता है। अगर इसके अंदर कचरा को हम लोग सफा ना करें और रिंग डाल दें तो ब्लॉक किट में हम लोग का रिंग घुसेगा नहीं और रिंग टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जब तक इस तरह से हम लोग का रिंग खेलना नहीं चाहिए तब तक फिटिंग भी नहीं करना पड़ेगा। जब तक खेलेगा तब तक हम लोग आसानी से यानी कि फिटिंग कर सकते हैं। तो ये रिंग का जो गैप है, हम लोग का गैप हो चुकी है, इसकी वजह से हम लोग रिंग चेंज कर रहा हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ, यह ब्लॉक किट पेसा रिंग ज़्यादा गैप नहीं होता है, वाइल्ड रिंग ज़्यादा गैप होता है, लेकिन यहाँ देखिए फिर भी गैप हो चुकी है। देखिए गाइस, यहाँ गैप हो चुकी है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यानी कि सारे के सारे रिंग को हम लोग खोलेंगे। देखो तो चलते चलते ऑटोमेटिक रिंग का ग्रुप एक साइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी किसी तरह से फिट किया, मैं आपको बताता हूँ। यह सील इंजन मैंने ओपन किया है। अब देखो, हम जिस हिसाब से पिस्टन फिटिंग कर रहा है ना, उसी हिसाब से कंपनी भी इस तरह से भेजा है, यानी कि इस साइड में, ठीक है। अब इस साइड को भी देखते हैं, ये कौन सा साइड में भाग रहा है। देखो, अब देखो ये भी इस साइड से भाग रहा है, कंपनी भी बोलता है। अब आप लोगों को डब्लू सिस्टम दिखाता हूँ कहाँ पर है। रॉयल एनफील्ड बाइक में डब्लू जो है, कटिंग जो है, नीचे दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस, यहाँ से एम हो रहा है और यहाँ से डब्लू हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ से यानी कि इस तरफ से एम होगा और इस तरफ से डब्लू होगा। तो इस तरफ से आप लोगों को एम करना पड़ेगा। देखो एम है ना, इस तरह से एम करना पड़ेगा। तो चलो सफाई करते हैं, हम लोग रिंग का माप चेक करेंगे जो नया लाया है, क्योंकि रिंग अभी तोड़ना पड़ेगा सफाई करने के लिए। अगर रिंग का गैप अगर ठीक से नहीं मेंटेनेंस होता है तो फिर हम लोगों को वही रिंग डालना पड़ेगा। एकदम गैप जो है बिल्कुल अच्छा क्वालिटी है, देखो, और स्टैंडर्ड है। तो अब हम लोग तोड़ सकते हैं। ये वाला हार्ड है, इस वाले को हम लोग, बहुत हार्ड होता है। अब इसके अंदर हम लोग यानी कि सफाई करेंगे। देखो कितना कचरा निकल रहा है, देखो ये सब कचरा अगर नहीं निकालते तो हम लोगों का पिस्टन रिंग टूट जाता। तो जब भी आप लोग पुरानी रिंग खोले और नया खाली रिंग अगर फिटिंग करें तो इसको सफा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का काम सक्सेस बनेगा, वरना काम सही से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, हमारी तरफ से यहाँ से एम बनाते हैं। कंपनी जिस हिसाब से फिटिंग करा हुआ था उसी हिसाब से मैंने यहाँ फिटिंग कर दिया है। अब इसको हम लोग दबा के देखेंगे। देखो कौन सा साइड में भाग रहा है, इसको घुमाना पड़ेगा, घूम रहा है। ऐसे करके यहाँ हम लोग फिटिंग कर देंगे। तो एक रिंग हमने यहाँ फिट किया, दूसरा रिंग जो है इस साइड में फिटिंग करेंगे। अब ये वाला जो रिंग है, एक ब्लैक है और एक हम लोगों का सफ़ेद, ब्लैक को नीचे देना पड़ेगा, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ कंप्रेसर रिंग, और वाइल्ड रिंग जो है एक यहाँ और एक यहाँ, और नेट रिंग जो है एक यहाँ मैंने दिया। तो पांचों ग्रुप पांचों जगह में अलग अलग दिशा में है। तो चलो फिटिंग करते हैं। रॉयल एनफील्ड बाइक में हम लोगों को ब्लॉक किट पर यहीं फिट करना पड़ेगा, तो हम लोगों को ऐसे करके फिट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग डालेंगे इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से आप लोग खोले पिस्टन उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा, हमने इसी हिसाब से ओपन किया था। अब लोगों को थोड़ा बैठाना पड़ेगा ताकि हम लोगों का रिंग जो है आसानी से चले जाए, ठीक है। चारों तरफ हम लोगों को देखकर भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ब्लॉक किट ओपन करें, जेन्युइन आप लोग ब्लॉक किट में पैकिंग जो है वो देने का उपयोग करें, क्योंकि अगर लीकेज करेगा तो इंजन ऑयल लीकेज करेगा, ठीक है। तो चलो
इसमें आप लोगों को सीधा उल्टा नहीं देखने को मिलेगा, आप इसी हिसाब से भी लगा सकते हैं, इसी हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कपड़ा क्यों दिया, जब हम लोग पिस्टन लगाएंगे तो उसके अंदर सर्किलिप लगाएंगे, तो सर्किलिप अगर नीचे गिर जाएगा तो इंजन पूरा डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए लगाया। तो चलो ब्लॉक किट को फिट करते हैं। तो दोस्तों ये जो हेड है, हेड के मैंने गाइड खराब था, ये वाला छोटा वाला जो गाइड था ये प्ले था, तो मैंने चेंज किया अभी ये वाला गाइड। अगर गाइड ज़्यादा ढीला हो जाता है तो फिर क्या होता है, इससे नॉइज़ भी आता है और इंजन ऑयल जो है लीकेज भी करता है और कम जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमने बाल्ब चेंज किया, ये पुरानी बाल्ब और ये नई बाल्ब, ठीक है। तो चलो फिटिंग करेंगे अभी। दोस्तों मैंने ऑयल फिल्टर भी डाल दिया और सब कुछ फिट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बाइक में हम लोग 15W50 इंजन ऑयल डालेंगे 2.5 लीटर। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है,
तो चलो इंजन ऑयल डालने के बाद और पूरे बाइक को फिट करने के बाद आप लोगों को साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। तो दोस्तों फाइनल काम करते करते यानी कि शाम हो गया है और पीछे का जो पहिया था जाम कर रहा था, इसके लिए जो कैलिपर था कैलिपर के अंदर पिस्टन हमने चेंज किया और ओरिंग चेंज किया। अब बाइक को स्टार्ट करेंगे तो चलिए आपको दिखाता हूँ। अब लग रहा है रॉयल एनफील्ड बाइक, पहले फटा हुआ था और बाइक जो चलाया ना वाल्व लगाने के बाद और रिंग लगाने के बाद ताकत 10 गुना ज़्यादा हो गया है। पहले जब हम लोग पिकअप देते थे खटखट खटखट कर रहा था, अभी हमने बाइक को जो चलाया बहुत अच्छा लगा और चलाने के बाद ही आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाया, साउंड क्वालिटी एकदम बेहतर है। चलो बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जब आप लोग बाइक चलाते हो तो इंजन ऑयल का आप ख्याल नहीं करते हैं, मेन पार्ट होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल अगर टाइमली चेंज ना करे तो आप लोगों का इंजन जो है वो गई भैंस पानी में चल जाएगा और आप लोगों का खर्चा जो है बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक इंजन ऑयल का आयु कितना होता है तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फिलहाल मैंने इस बाइक में वाल्व रिंग ये सब कुछ डाला, नया इंजन ऑयल डाला, कस्टमर को बोलेंगे 500 किलोमीटर चलाने के बाद ये इंजन ऑयल चेंज कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा जब फिर नया इंजन ऑयल भरेगा उस दौरान 1500 किलोमीटर बाइक का इंजन ऑयल चलेगा, उससे ज़्यादा चलाने से दिक्कत होगा, ज़रूरत नहीं है। एक इंजन ऑयल का कीमत 1000 रुपये के आसपास में होता है और 1000 रुपये अगर आप लोग 1500 किलोमीटर चलाने के बाद अगर खर्चा करते हो तो इंजन अगर ज़्यादा दिन जाएगा तो आपका इंजन का लाइफ भी ज़्यादा जाएगा, है ना। तो आज का वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, अगर बाइक में पॉल्यूशन आती है, इंजन ऑयल कम जाता है, इंजन का नॉइस आता है, इंजन अगर साउंड ख़राब आता है तो आप लोग क्या करें, ब्लो किट भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अगर बजट कम रहे तो, यानी कि आप लोग ये भी कर सकते हैं, खाली रिंग भी चेंज कर सकते हैं और रिंग के साथ आप लोग को वाल्व गाइड और वाल्व सील भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने हर कोई काम कम्प्लीट कर दिया है, बाइक अभी झकास चल रहा है, एक बार दिखा देता हूँ। चलो गियर में दे दो, चलो छीन अब दो, एकदम झकास चल रहा है। चलो बंद, तो चलो अब खर्चा कितना आया वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स बिल जो हुआ है 4841 रुपये बिल हुआ है, वाल्व रिंग सिलेंडर पैकिंग वाइल सील वाइल फिल्टर वाल्व सील एयर फिल्टर मोबिल और डिस्क ब्रेक किट ब्रेक वाइल मिस्त्री चार्ज जो है मैंने 1500 रुपये लिया है और लेद में हमने जो काम किया है साइलेंसर का चूरी और इकट्ठा, तो 4841 रुपये इसका खर्चा आया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहां से हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।